नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा अगले महीने 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। 31 अगस्त 2023 तक चलने वाली इस यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शनिवार को रेवाड़ी से भी शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल रेवाड़ी इकाई की ओर से जम्मू कश्मीर के बालटाल रोड पर सादीपुरा बेस कैंप में लगने वाले भंडारे के लिए खाद्य सामग्रियों से भरा ट्रक रवाना किया। बाबा बर्फानी के भक्तों का एक दल भी 30 जून को रेवाड़ी से रवाना होगा। इस 62 दिन तक चलने वाली बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा के दौरान अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस बार फास्ट फूड व मिठाई रसगुल्ले पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि जम्मू, पहलगाम व गांधरबल जिलों में आधार शिविरों से यात्रा के मार्ग के साथ साथ पहलगाम से 42 किलोमीटर के मार्ग व 14 किलोमीटर लंबे बालटाल ट्रैक पर लंगर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं की ओर से लगातार खाद्य सामग्री बेस कैंप के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से भेजी जा रही है। जी आपका? मेरा नाम दयाराम है। आज कहाँ के लिए रवाना हो रहे? हमारा सामान जो है बालटाल रोड सादीपुरा में हमारा कैंप सीआरपी कैंप बेस कैंप में लगता है, वहाँ पर हमारा सेवा दल चलता है। और जो यात्री अमरनाथ की सेवा यात्रा में जाएंगे उनके लिए हमारा भंडारा लगता है वहाँ पर, जिसके लिए हम अपना सामान यहाँ से रवाना करें। कब से ये यात्रा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और आप कब से जा रहे हैं? 30 जून से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होगी और हम ये सामान तो आज ही चला जाएगा, लेकिन हम 30 जून को ही यहाँ से रवाना होंगे। वहाँ के पहुँचने के बाद किस तरह की आपकी यात्रा रहती है, अगर वहाँ पर भंडारे इस तरह क्या किस तरह पूरे हो रहे हैं? भंडारे में जो यात्रियों के लिए सारी व्यवस्था की जाती है, खाने की, नाश्ते की, रहने की और रहने की व्यवस्था भी वहाँ पर ऊपर के रखती है। तो कम से कम आपके समाज के रेवाड़ी से कितने लोग जाते हैं हमारे नाथ यात्रा के लिए? हमारे यहाँ से लगभग यात्री लगा लो के हजारे की यात्री तो यात्रा करते ही हैं रेवाड़ी से जाते हैं। तो रेवाड़ी से कितने साल से जा रहे हैं आप लोग? हम रेवाड़ी से जा रहे हैं जी 2011 से। क्या मतलब आज कम से कम 12-13 साल हो गया आपको जाते हुए, किस तरह से मतलब ये होया यात्रा की, मतलब याद हर साल जाते हैं जो भी इच्छा वगैरह? ये प्रभु की इच्छा है और हमारी आस्था है उसके अंदर, जो हम हर बार बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। और सेवा दल भी पूरा जाता है वहाँ पर, सेवा भी करते हैं और अपनी यात्रा भी करके आते हैं बाबा के दर्शन। एक वहाँ पर देखे जाए तीन धारा 370 हटाने के बाद कुछ अलग से बदलाव कुछ देखने को मिला हुआ जाए? हुआ है, वहाँ पर हमारी सेफ्टी चलती है, सीआरपी के जवान हमारे साथ चलते रहते हैं, आगे पीछे मतलब सिक्योरिटी चलती है और बीच में यात्रा का जत्था चलता है। तो वहाँ कब लौटेंगे वहाँ पर आने के बाद, क्या किस तरह की आप और रहेगी? हम तो वहाँ से पहले भी आ जाएंगे, लेकिन यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी, भंडारे भी तब तक ही चलता रहेगा और हमारा सेवा दल वहाँ पर लगा रहेगा 31 अगस्त तक। अच्छा बाबा, आज कहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं? मेरा नाम बलजीत सहनी है और आज ये सामान जो ये लंगर सेवा के लिए खाद्य सामग्री भेजी जा रही है, शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल जो पिछले 8 सालों से लगातार वहाँ लंगर के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहा है अमरनाथ यात्रियों को, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था कर रहा है, उसी के संदर्भ में ये सामान यहाँ से भेजा जा रहा है। और ये सामान दिल्ली हमारे हेडक्वार्टर पे जाने के बाद 15 जून को वहाँ से बड़ी गाड़ी में और सामान जो वहाँ आया हुआ है वो उसमें लोड करके और फिर ये 15 जून को कश्मीर के लिए रवाना है। तो आप लोग कब से जा रहे हैं और मतलब कब वापसी होगी, कितने दिन से जा रहे हो? हम वैसे तो हम 2011 से लगातार नियमित रूप से यात्रा कर रहे हैं, कोरोना काल के 2 वर्षों को छोड़कर जब यात्रा नहीं, और बाकी अब हम 30 जून को जाएंगे। हमारे जो बड़े साथी हैं जो दिल्ली से हैं वो अभी 15 जून को निकल जाएंगे। तो कितने श्रद्धालु अपने रेवाड़ी जाते हैं और वहाँ पर कैसा माहौल रहता है इस यात्रा में और आप सेवा भी करते हैं? बड़ा खुशनुमा माहौल होता है और लगभग हमने औसत ये निकालते हैं कि लगभग रेवाड़ी से हर साल 800 से 1000 के बीच यात्री अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जाते हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता है। और हम प्रत्येक जो रेवाड़ी से क्षेत्र से जाने वाला यात्री है उनसे निवेदन करते हैं
सादीपुरा CRPF बेस कैंप में हमारा ये लंगर लगता है। आप आएँ और लंगर का आनंद लें और सेवाओं को देखें। किस तरह से ये सेवा करना, मतलब 2011 से जा रहे हैं, कहाँ से किस तरह से सोच आए? ये हम जाते थे तो लगातार जाने से वहाँ क्या होता है, हमने देखा विषम परिस्थितियों में भी लोग लंगर लगा रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो हम मन में कहीं ना कहीं ये भावना हुई कि हमें भी कुछ प्रयास करने चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारे वो दिल्ली से जो हमारे साथी थे, हमने ये निर्णय लिया कि हम उसको संस्था पर कंबाइंड रूप देकर एक अच्छे स्केल पर जो सुविधाएं हम या अमरनाथ यात्रियों को दे सकते हैं वो देने का प्रयास करें। वहाँ पर धारा 370 हटाने के बाद क्या कुछ बदलाव आया है? वहाँ आप जा रहे श्रद्धालुओं के लिए क्या बेनिफिट हुई है? श्रद्धालुओं के लिए इस साल अभी बहुत यहाँ काम हो रहा है। पहले ई रिक्शा नहीं चलती थी बालटाल से दुमेल तक, पिछले साल ही सरकार ने वो भी चालू किया है। अभी आगामी वर्षों में बाबा अमरनाथ की गुफा तक रोड बनाया जा रहा है, तो सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है और निरंतर वहाँ पे सुधार हो रहा है यात्रा में और लोगों को बहुत ही अच्छा आनंद मिलता है। सभी को आने के लिए मैं प्रेरित करना चाहूँगा। भाई साहब आपका और आज कहाँ के लिए श्रेणी है जी? ये हमारा सेवा दल है श्री शिव भक्त अमरनाथ सेवा दल रजिस्टर्ड 33 दिल्ली और रेवाड़ी। तो आज कहाँ के लिए रवाना हो रहे? ये अमरनाथ के लिए रवाना हुआ रहा है जी। यहाँ से दिल्ली जाएगा, जो हमारी मेन ब्रांच है दिल्ली, वहाँ से सामान इकट्ठा होकर बड़े ट्रक में ये 15 जून को जम्मू के लिए रवाना होगा। तो आपकी जो यात्रा है कितने दिन के लिए यात्रा होती है और वापसी कब होती है? यात्रा ये 1 जुलाई से चालू है जी और 31 अगस्त तक चलेगी जी। तो वहाँ पर आपके जो रेवाड़ी जाते हैं समाज के लोग श्रद्धालु, तो वहाँ किस तरह क्या करते हैं? वहाँ सेवा के लिए जाते हैं और यात्रा के लिए भी जाते हैं, दोनों तरह से है जी। पहले यात्रा करके फिर ये जो हमारा भंडारा चलता है शादीपुरा CRP कैंप बालटाल रोड, उसमें सेवा देते हैं। तो अब सेवा कितने दिन चलेगी और मतलब कितने श्रद्धालुओं के लिए आपका जो लंगर वगैरह होता है? लंगर ये जी 62 दिन चलेगा जी, पूरे जितने दिन की यात्रा होगी उतने दिन ही लंगर चलेगा। करीब कितने श्रद्धालुओं को आप ये निकल जाते हैं, कितने श्रद्धालु मतलब लंगर में शामिल होते हैं? श्रद्धालु जी देखो डेली वाइज का कोई गिनती नहीं है, जितने आ जाए उनके, चाहे वो रात को 11 बजे आए चाहे 12 बजे, उनको भोजन की व्यवस्था, चाय पानी की 24 आवर उनका ध्यान रखा जाता है, रहने खाने पीने की व्यवस्था, नाश्ता वगैरह का सारा व्यवस्था की है। तो ये जो सब आप सामान वगैरह ले गए, पूरे समाज के मिलके इस तरह से ये करते हैं लंगर अमरनाथ यात्रा जो जाती है? हाँ, ये सब भाइयों का सहयोग है। जो रेवाड़ी से हमने जैसे 2017 से मैं जा रहा हूँ तो देखा तो वहाँ पे जैसे जिस हिसाब से, फिर जैसे दिल्ली जो हमारी मेन हेड ब्रांच है रजिस्टर्ड 33 शिव भक्त अमरनाथ सेवा दल का, तो देखा तो हमने ये सोचा भाई, और वो पहले थोड़ा मतलब वो था, फिर हमने उनके साथ मिलकर सहयोग करके उन्होंने रेवाड़ी के सिस्टम हमारे को दे दिया, यहाँ का भाई रेवाड़ी की बागडोर आप संभालो, तो इसलिए रेवाड़ी का जो भी है प्लान पहले वो आते थे, अब हम ही रेवाड़ी का वो सारा। तो वहाँ से आने के बाद रेवाड़ी में कुछ इस तरह का प्रोग्राम? हाँ, रेवाड़ी में देखो पिछली दफ़ा तो हमने जाने से पहले जो निर्जला 11/27 को नींबू पानी का और कढ़ी चावल का प्रोग्राम किया था, अब इस दफ़े क्या है प्रोग्राम चेंज कर दिया, यात्रा से आने के बाद यहाँ पे लंगर की व्यवस्था कर दी।